दोस्तों बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसके बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बनने की उम्मीदें काफी है। क्योंकि दोस्तों इसकी एक वजह यह भी है कि इस फिल्म में दो ऐसे स्टार्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों की संख्या में है। दोस्तों वॉर फिल्म से टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। इस फिल्म से दोस्तों दर्शकों के साथ साथ यशराज फिल्म्स को भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि दोस्तों यशराज बैनर की पिछली फिल्म यानी कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बुरी तरह फ्लॉप रही थी। अब दोस्तों फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर कबीर यानी कि ऋतिक रोशन और खालिद यानी कि दोस्तों टाइगर श्रॉफ एक भारतीय खुफिया एजेंसी के मेंटर है। फिल्म में कबीर के बागी होने से शुरुआत होती है, जैसा हमें ट्रेलर में भी दिखाई दिया था, और वह एजेंसी का स्टार बॉय भी है। लेकिन वह एजेंसी के महत्वपूर्ण सदस्यों और भारतीय सेना को निशाना बना रहा है। कबीर को हमेशा गुरु के रूप में देखने वाले खालिद यानी कि टाइगर श्रॉफ को उसे खोजने और गिरफ्तार करने का काम सौंपा जाता है। दोस्तों फिल्म के पहले भाग का एक बड़ा हिस्सा फ्लैशबैक में जाता है, जो कि ये बताता है कि कबीर और खालिद पहली बार कैसे मिले थे और उनका रिश्ता आपस में कैसे बना। वे एक साथ लड़ते हैं, अलग होते हैं, आतंकवादियों से भी एक साथ लड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन दोनों ही फिल्म वॉर में दर्शकों को शिकायत करने की कोई वजह नहीं देते। फिल्म में थोड़ी सी कॉमेडी भी है, लेकिन उसका होना और ना होना बिल्कुल ना के बराबर है। और दोस्तों फ्लैशबैक में कई जगह एक्शन देखने को मिलता है। ऋतिक रोशन अपनी स्वैग और उम्र के मालिक है। वह अपने सॉल्ट एंड पेपर लुक और झुर्रियों को भी कहीं छुपाते हुए नहीं दिखाई दिए, जो कि दोस्तों काफी तारीफ के काबिल है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर टाइगर श्रॉफ एक बेहतरीन एक्टर है और उनको नापसंद करने का तो कोई बहाना इस फिल्म में आपको मिलेगा ही नहीं। दोस्तों इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि इसके डायरेक्टर सिद्धांत आनंद ने फिल्म की सारी एनर्जी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ और इसके एक्शन सीन में ही डाल दी। इसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि वाणी कपूर फिल्म के दूसरे भाग में हमारे सामने आती है। वाणी कपूर ने दोस्तों फिल्म में नैना नाम की एक डांसर की भूमिका निभाई है, जो कि एक मिशन पर होने के दौरान कबीर से मिलती है। और दोस्तों चौंकाने वाली बात तो यह है कि वह जल्दी से फिल्म का इमोशनल सेंटर भी बन जाती है। दोस्तों फिल्म में उनको बहुत ही छोटा रोल मिला है, लेकिन उनको अगर स्क्रीन पर थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो शायद वो कुछ और कमाल भी करके दिखा सकती थी। अब दोस्तों फिल्म के सेकंड हाफ में जबरदस्ती के ट्विस्ट डाले गए हैं। यदि आप फिल्म के प्लांट को ध्यान से समझेंगे तो आप मिलो दूर से भी आने वाले ट्विस्ट का आराम से अनुमान लगा सकते हैं। ऋतिक का नेचुरल चार्म और टाइगर श्रॉफ की कड़ी मेहनत ही फिल्म को लास्ट तक खींच के लाती है। और दोस्तों कुछ मिनटों के लिए ही सही आप वॉर फिल्म से जुड़ा हुआ काफी महसूस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली फिल्म है। सिनेटोमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और शानदार प्रोडक्शन डिजाइन, ये सभी आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आप इस तमाशे का हिस्सा हैं। लेकिन दोस्तों ज्यादातर पार्ट में वॉर केवल एक्शन से ही भरपूर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन ही फिल्म से हमें बांधे रखते हैं। फिलहाल दोस्तों आप वॉर फिल्म देखने के लिए कितने एक्साइटेड है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।